तो अमेज़न ने इंडियंस के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, या यूं कहें अमेज़न ने इंडिया में जो भी लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या अमेज़न इंडिया पर सेल करना चाहते हैं या उनके पास कोई प्रॉपर स्पेस है जिसको अमेज़न पे रेंट करना चाह रहे हैं या कोई भी आपके इशू हो या प्रॉब्लम हो, अब अमेज़न आपकी मदद करने के लिए तैयार है। शायद आप जानते होंगे अमेज़न डिजिटल केंद्र, अगर इसकी बात की जाए तो ऑफलाइन मोड में ये सिर्फ और सिर्फ अभी सूरत गुजरात में ओपन किया गया है, जिसका मोटिव ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में हर कोई अमेज़न के साथ मिलके 200 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकता है ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम के तहत, या वो अमेज़न पर सेल कर सकता है, या अगर वो चाहे तो उसके पास अगर प्रॉपर स्पेस हो तो अमेज़न को रेंट कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, चाहे वो GST को लेके हो, टैक्सेशन को लेके हो, या आपको कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज चाहिए बिजनेस करने के लिए, उसमें अमेज़न आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा। अमेज़न डिजिटल केंद्र बेसिकली ओपन ही इसीलिए किया गया है। ऑफलाइन मोड में तो ये सूरत में है, लेकिन हाल फिलहाल में अगर कल की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को अमेज़न ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलके या यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलके 2 MOU साइन किए हैं और एक अमेज़न डिजिटल केंद्र कानपुर उत्तर प्रदेश में ओपन कर दिया गया है। अभी उसको amazon.in पे अपडेट होना बाकी है, लेकिन फाइनली सारा अनाउंसमेंट हो चुका है और ये अमेज़न डिजिटल केंद्र पूरे इंडिया का सेकेंड फिजिकल डिजिटल केंद्र होगा जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में ओपन किया गया है। पहले अगर बात करें तो सूरत गुजरात में पहले से ही है। मैं आपको बताऊं, amazon.in पे या गूगल पे अगर आप अमेज़न डिजिटल केंद्र ओपन करेंगे तो आप उस पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि अमेज़न ये बात जानता है कि फिजिकली सबके लिए पॉसिबल नहीं है अमेज़न डिजिटल केंद्र में जाना और वहाँ पे उनसे हेल्प मांगना। इसके लिए अमेज़न ने अपना एक पेज प्रॉपर डिजाइन किया है अमेज़न डिजिटल केंद्र का। जब उस पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप करना है और आपकी जो भी क्वेरी है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, आपके पास स्पेस है, या आपको GST टैक्सेशन को लेके प्रॉब्लम आ रही, या कोई भी इशू हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अमेज़न की टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपकी प्रॉब्लम या इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए बनाया गया है, और अगर फिजिकल मोड में बात की जाए तो गुजरात में और अब फाइनली उत्तर प्रदेश में दो जगहों पे इनके फिजिकल सेंटर भी हो गए हैं। जो लोग इनके सेंटर पे जाके विजिट करेंगे उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, वो सीधे काउंटर पे जाके बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए अमेज़न ने नई खुशखबरी दी है और यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलके 2 MOU साइन किया है। मिस्टर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि अमेज़न की तरफ से ये स्टेप बेहतरीन है और इससे उत्तर प्रदेश में जो भी MSME हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, वो अपने आइटम को 200 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाएंगे अमेज़न ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम के थ्रू। 2 MOU जो साइन किए गए हैं, बेसिकली इसमें लिखा ये है कि अब अमेज़न उत्तर प्रदेश में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, सारी सर्विसेज मुहैया कराएगा और उनको अपना आइटम एक्सपोर्ट करने में मदद करेगा, जिससे जो छोटे कारीगर हैं वो भी अपना आइटम पूरे वर्ल्ड में सेल कर पाएं। मतलब अब अमेज़न प्रॉपर ट्रेनिंग भी देगा, प्रॉपर आपको सर्विसेज भी देगा और कैसे आपको काम करना है ये सारी चीज़ें अमेज़न खुद आपको बताने वाला है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो इंटरेस्टेड हैं एक्सपोर्ट करने में या अमेज़न पे सेल करने में, या उनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है अपने बिजनेस को रन करने में, तो वो अमेज़न डिजिटल केंद्र से मदद मांग सकते हैं, उनकी पूरी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। इससे होगा क्या कि इंडिया में जो भी MSME हैं या स्मॉल बिजनेसमैन हैं जिनको नहीं मालूम ई कॉमर्स या कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ये नहीं मालूम है, तो अमेज़न उनको पूरी हेल्प करेगा, बस उनको आइटम्स देने हैं, बाकी काम अमेज़न इंडिया खुद करके दे देगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ भी काफी खुश नजर आए MOU साइन करते समय, क्योंकि है क्या कि उनको मालूम है कि यूपी में बहुत सारे अच्छे कारीगर हैं जो बहुत स्मॉल स्केल पे काम करते हैं या छोटी मोटी MSME हैं जो सेल तो करना चाहते हैं, अपने आइटम को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया के बाहर, बट उनके पास नॉलेज नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है। बट अमेज़न आपको मालूम है कि एक्सपर्ट है, 200 से ज्यादा कंट्री में अमेज़न
एक्सपोर्ट करता है, अपना ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम चलाता है, तो कुल मिला के अमेजोन के थ्रू वो सारे लोग बहुत आसानी से अपने आइटम को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब देखना ये है कि फिजिकली ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है और कितने लोग की हेल्प अमेजोन इंडिया में कर पाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।